गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस जर्नी। तो आज अभी का टाइम है सुबह 9:30 और हम लोग निकल पड़े अपना आज के डे उन्नार एक्सप्लोर के लिए। तो आज अपना साथ में है बाबू सर, तो अपने को घुमा के दिखाएंगे टुवर्ड्स कोयम्बटूर साइड देखेंगे हम लोग, राइट? फर्स्ट कोचिन साइड देन कोयम्बटूर साइड। ओके, फर्स्ट विल एक्सप्लोर कोचिन साइड देन कोयम्बटूर साइड। तो चलिए आपको दिखाते हैं, कुछ भी एक्साइटिंग जो भी दिखे, अच्छा सा स्पॉट सब दिखाएंगे। अभी तक तो वेदर सनी है मुन्नार में, बट एक्सेसिव रेन प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं क्या होता है। ये है पोथामेडु व्यू पॉइंट। कल से ही व्यू देखता जा रहा है, पता नहीं इसको आप लोगों को बोरिंग लग रहा है क्या। मेरे को देख के भी ना मतलब लग रहा है कंप्लीट नहीं हो रहा है, जितना देखो उसको उतना भी कम लग रहा है। जस्ट मेसमराइजिंग। बाबू सर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डैम? एडवर्ड्स। एडवर्ड्स मीन ब्रिटिश नेम। एडवर्ड्स एक्चुअली 1947 in Kerala, first hydro power station identified. Oh, this one is the same one. Okay. So, ये अभी एक रोड साइड व्यू पॉइंट पे हम लोग रुक गए, ऑटो इधर पार्क है। ये NH 85 है ना? दिस इज कोचिन कनेक्टेड रोड। हाँ, अभी ऑटो से हम लोग जिप्सी में आ गए। सर, यू अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस एडवेंचर राइड। ओके, सो इट विल टेक अराउंड 2 hours? 3 hours? ओके। अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए, एकदम सक्री रोड, बहुत ज्यादा ही नैरो। शायद कैमरा में पता नहीं लग रहा है हम लोग कितना नीचे जा रहे हैं। रोड देखिए और नैरो होता जा रहा है।
इतना ही नैरो है ये। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को साइड देने के लिए पीछे लेना पड़ रहा है। अभी हम लोग वाटरफॉल के लिए रुके, अपना जीप इधर पार्क है, ये है वाटरफॉल। एकदम ठंडा पानी, हम लोग पहुंच ही गए। ये है वाटरफॉल, वो देखिए उधर, और थोड़ा जाना है। नज़ारा देखिए, बहुत तेजी से पानी गिर रहा है यहाँ, और एकदम मिस्ट क्रिएट हो रहा है, और हम लोग जहाँ से आए वो उधर धीरे धीरे बह रहा है। और ये स्ट्रिक्टली डू नॉट क्रॉस ये लाइन लिखा हुआ है। और अभी विघ्नेश भैया ने बताया कि इससे पहले काफ़ी डेथ इधर हो चुका है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा सीनिक है। नॉर्मल व्हीकल से इधर आप आ नहीं सकते हो, मैंडेटरी हैव टू कम विद दिस ऑफ रोडर, और जीप से आना पड़ेगा, जीप सफारी करके। इधर थोड़ा रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है, देखिए आप नारियल पानी, चिप्स, ये सब भी ले सकते हैं। सियान को लेके विघ्नेश भाई लेके गए उसको अंदर। रिपल वाटरफॉल्स, अगेन मेन रोड से डिटोर ले लिए, एंड बहुत नैरो सकरी रोड है। ये रिपल वाटरफॉल का ये साइड है, ऐसे है।
उधर गेट से आके इधर से देख रहे लोग, ये वाला ये है वाटर पार्क। अभी सस्पेंशन ब्रिज में आए, जीप इधर पार्क्ड है। This is Eco Point. अभी हम लोग उधर थे, दिस इज नाडुकानी टॉप, दिस इज सनसेट पॉइंट, दिस साइड इट इज सनराइज। बहुत अच्छा व्यू है एकदम ऊपर। जीप राइड, थैंक्स विघ्नेश भाई, थैंक यू। तो अगेन विल गो बैक टू आवर ऑटो। ये सारे चटनी है क्या? सारे चटनी है, पापड़ है, कोकोनट के चटनी, ये ड्रमस्टिक का है, सब्जी टाइप का, ये बीन्स दिख रहा है।
ये भी कोकोनट से कुछ होगा, स्पाइसी। ये फिश है और इधर है कड़ी सांबर रसम। इट्स नॉर्मल राइस, नॉट केरला राइस। केरला फार्म में अभी स्पाइस गार्डन देखने जा रहे हैं। वी हैव वेटेड फॉर अराउंड 45 मिनट्स, देन वी गॉट आवर टर्न। लेट्स सी इज इट रियली वर्थ वेटिंग फॉर दैट मच। हम लोग स्पाइस गार्डन देख के वापस रिटर्न जा रहे हैं। आफ्टर 2 आवर्स वी आर लीविंग फ्रॉम केरला फार्म। हम लोगों ने बहुत सारे स्पाइसेस खरीदे लेकिन वो थोड़ा वो वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे तो इसीलिए नहीं किए। काफी लेट हो गए अगेन ड्यू टू रेन एंड ऑल। This is Kallar waterfall. Kallar bridge. अभी हम लोग आ गए कथाकली देखने के लिए पुनर्जेनी पे, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। तो आज का डे का समरी कर देते हैं। अभी हम लोग होटल आ गए तो सुबह हम लोग ऑटो लिए, ऑटो लेके कुछ जो नियर बाय सीन है टूवर्ड्स कोचीन रोड, वो कोचीन रोड में जाते कुछ स्पॉट विजिट करने के बाद हम लोग जीप सफारी में गए। तो
तो अपने पास दो ऑप्शन थे, जीप सफारी, एडवेंचर पार्क। लेकिन एडवेंचर पार्क के लिए और सन वो काफ़ी छोटा है तो वो अपने को उतना ठीक नहीं लगा। हम लोग सोचे चलो जीप सफारी करते। जीप सफारी 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर कुछ चार्जेस लेता है, उसमें जितने भी स्पॉट्स है आप लोग देख चुके। जीप सफारी करने के बाद हम लोग लंच करके फिर निकल गए स्पाइस गार्डन की तरफ। स्पाइस गार्डन में जाके अपने को हुआ लेट, और उसमें अपने को जब स्पाइस गार्डन हम लोग नीचे ओरिजिनल गार्डन पहुंचा तब बहुत तेज बारिश चालू हो गए। फिर हम लोग ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। उसके बाद स्पाइस गार्डन में से थोड़ा बहुत स्पाइस खरीद लिए हम लोग, करके हम लोग दूसरे साइड की तरफ आगे बढ़ने वाले थे। बट टिल दैट टाइम द टाइम वॉज एनीवेयर अराउंड 4। तो हम लोग सोचे कि बारिश इतना तेज गिर रही है तो उससे बेहतर हम लोग कुछ ऐसे करते जिसमें बारिश से कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर हम लोग सोचे कि चलो कथकली शो देखते। तो कथकली एंड फ्यूजन दोनों देखे, तो फुटेज आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, बहुत बढ़िया लगा। मैं तो बताऊंगा अगर आप केरला आ रहे हो तो कथकली इज मस्ट वॉच, आपको देखना ही चाहिए। बहुत सारे जगह पे ये चलता रहता है इवनिंग में, कथकली एंड फ्यूजन। फ्यूजन इज काइंड ऑफ मार्शल आर्ट। तो ये दोनों देख लिए हम लोगों ने। उसका चार्जेस है डिफरेंट डिफरेंट टिकट है 300, 400 and 600। तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन बाय द टिकट। वो देखने के बाद दैट टाइम इट वॉज ऑलरेडी 7:30 और हम लोग वापस होटल अभी वापस आ गए। तो ये था अपना मुन्नार का डे टू। तो आज के डे और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगेन आपसे वापस मुलाकात होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।